क्वेश्चन नंबर वन, रिकरेंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, इसमें दो अकाउंट्स बनेंगे, एक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का और दूसरा रेंट एक्सपेंस का। ठीक, तीन अकाउंट्स बनाकर सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन वन, इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट बनाएंगे, क्या इसमें क्या लिखा हुआ, ओपनिंग एक्रूवल्स वाज 172, ये एक्रूवल्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा 172। उसके बाद एक क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग एक्रूवल्स इज 238, ये इसका सीडी हो जाएगा 238। उसके बाद इनवॉइस टोटलिंग 697 वर रिसीव्ड एंड पोस्टेड टू लेजर ड्यूरिंग द ईयर। ये हमारे पेमेंट्स हो गई 756, ये डेबिट पे आ जाएंगे ना 756, और डिस्क्रिप्शन में लिख लेंगे कैश। क्लियर? नहीं, क्वेश्चन में तो एक चीज होगी ना भाई, वो तो मैंने फॉर्मेट लिखवाया था कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन में या तो एक्रूवल्स होंगे या प्री पेमेंट। क्या डेबिट साइड का टोटल करते हैं 994, कौन सा जी मैंने, हाँ ये रेंट लिख दिया, सिक्स नाइनटी सेवन है। ठीक, डेबिट साइड का टोटल करेंगे 935, 935 माइनस करें 172, 763। और ये होंगे हमारे करंट ईयर के इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, जैसे हम चार्ज कर लेंगे इनकम स्टेटमेंट। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आ गया आपके 763 के, बात ही नहीं। इसके बाद रेंट अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, ये भी सेम ही बनेगा, उसमें लिखा है ओपनिंग एक्रूवल्स वॉज 365, accruals का opening balance credit पे आएगा 365, और closing accrual is 28, accruals का closing आ जाएगा debit पर 28, invoice totaling 756 were received and posted to ledger, ये payments हो गई हमारी 756। ठीक, account close करते हैं, ये debit side का total आ गया 784 माइनस करें 365 419, बैलेंसिंग फिगर, और ये होंगे हमारे करंट ईयर के रेंट एक्सपेंस जो हम चार्ज करेंगे इनकम स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर टू, फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं अकाउंट का। क्वेश्चन नंबर टू में एक अकाउंट बनेगा, क्वेश्चन नंबर टू रीड कर लें। जॉन सिमनेल बिजनेस एज एन अकाउंटिंग ईयर एंड ऑफ, अच्छा 31 दिसंबर, रेंट्स फैक्ट्री स्पेस एट अ रेंटल कॉस्ट ऑफ 5000 पर क्वार्टर पेबल इन एरियर्स। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर टू दिसंबर 31 हिज कैश पेमेंट हैज बीन एज फॉलोज। अच्छा, ये लिखा हुआ ना पेबल इन एरियर्स, इसका मतलब क्या है? एडवांस में पे करेंगे या बाद में पे करेंगे? बाद में पे करेंगे। ठीक है,
क्वार्टरली पेबल इन अरेंज मीन्स कि आप इसे क्वार्टर के एंड पर पे करेंगे, एडवांस पेमेंट नहीं होगी। ओके, फर्स्ट पेमेंट हो रही है 1 अप्रैल को फॉर क्वार्टर टू मार्च 31st, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च का रेंट हमने 1 अप्रैल को पे किया, पेमेंट इन एरियर्स। ओके, रेंट का अकाउंट बनाएंगे 1 अप्रैल, डेबिट से 5,000। जब सेकेंड पेमेंट हो रही है 1 जुलाई को फॉर क्वार्टर टू 30th जून, ठीक है, तो अप्रैल मई जून का रेंट हम पे कर रहे हैं 1 जुलाई को, जुलाई 1st 5,000। थर्ड सेकेंड अक्टूबर फॉर क्वार्टर टू 30th सेप्टेम्बर, अगस्त जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर तक का रेंट पे कर रहे हैं 2 अक्टूबर को 5,000, ठीक है। 5,000 पर क्वार्टर है तो साल में कितनी पेमेंट्स होनी चाहिए? 4। इसने पेमेंट्स कितनी की? 3। इट मींस के लास्ट क्वार्टर का रेंट एक्रूड हो गया, पेबल हो जाएगा। तो यहां से मेंशन भी कर दिया था, फाइनल पेमेंट ड्यू ऑन 31st दिसंबर फॉर द क्वार्टर टू दैट डेट वाज नॉट पेड अंटिल 4 जनवरी, ठीक है। तो लास्ट पेमेंट हमने नहीं की, तो ये 5,000 एक्रूड हो गए। एक्रूअल्स की एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस डेबिट, accruals credit, तो ये आपका expense account debit होगा 5,000, और ये accruals का closing balance भी बन जाएगा ना, इसी को हम कर देंगे carried down, CD, closing balance हो गया, ठीक है। आप debit side का total करते हैं, total हो गया आपके पास 20,000 और balancing figure आ गई 20,000, और ये charge हो जाएंगे income, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग ईयर टू 31st दिसंबर 2002 जॉन सिमनेल रेंटेड चार्ज रिमेन द सेम एंड हिज पेमेंट्स वर एज फॉलोज। अच्छा, तो क्वेश्चन 2, 3 में कंटिन्यू हो रहा है ना, तो क्वेश्चन 2 का जो कैरी डाउन था 3 में ब्रॉट डाउन हो जाएगा। पहले तो इसका ब्रॉट डाउन लिख लेते हैं यहाँ पे, जनवरी 1st बैलेंस बीडी कितना आएगा 5,000। आप पेमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे, द फर्स्ट पेमेंट हो रही है 4 जुलाई को 5,000, 4 जनवरी, ये जनवरी 4, ये हमने लास्ट ईयर का जो रेंट था वो पे किया ना 5,000, ठीक है। सेकेंड पेमेंट 1 अप्रैल को पे कर रहे हैं, अप्रैल 1 5,000, थर्ड 2 जुलाई को पे कर रहे हैं फिर 5,000, जुलाई 2nd, फिर लास्ट पेमेंट है अक्टूबर 4 5,000, ठीक है। अच्छा, जो लास्ट हमने रेंट पे किया ये कब तक का है? ये तो फॉर क्वार्टर टू सेप्टेम्बर, ठीक है। तो अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर का रेंट पे नहीं किया, फिर एक्रूड हो गया, ठीक है। तो यहाँ मेंशन भी है, फाइनल पेमेंट डी ऑन 31st दिसंबर 2002 फॉर द क्वार्टर टू द डेट वाज नॉट पेड अंटिल 4 जनवरी। अच्छा, तो भी एक्रूड हो गया 5,000, एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस डेबिट और एक्रूअल्स क्रेडिट, 31st दिसंबर पे ये इसकी एंट्री हो जाएगी एक्रूअल्स की, और यहीं पे से हम कर देंगे कैरी डाउन, ठीक है। अब अजय अलग अकाउंट बनाने का, यहीं पे कैरी डाउन करेंगे, और अब डेबिट साइड का टोटल करते हैं 25,000, 25 माइनस करेंगे 5,000, बैलेंसिंग फिगर आएगी आपके पास 20,000, और ये होंगे हमारे करंट ईयर के एक्सपेंस, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट में रेंट एक्सपेंस चार्ज होंगे 20,000। अच्छा, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इसका 5,000 का, ये कहाँ जाएगा? और ये जाएगा कहाँ? तो चला गया टी अकाउंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहाँ आएगा? हाँ, ये बैलेंस शीट में आ जाएगा एज अ करंट लायबिलिटी, ठीक। तो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस चार्ज होंगे 20,000, और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में एक्रूड रेंट रिकॉर्ड होगा 5,000। तो एक्सपेंस चार्ज होंगे 20,000, और बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी हम एक्रूअल्स रिकॉर्ड करेंगे 5,000, ठीक है।
ये जो सीडी था ये नेक्स्ट ईयर वीडियो हो गया है ना, ये तो वहां यहाँ से आया था ना, क्वेश्चन टू से। हाँ, टू का जो सीडी था वो तो नेक्स्ट ईयर का वीडियो हो जाएगा ना। लेकिन ईयर एंड पर हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, तो इनकम स्टेटमेंट ब्रांड एक्सपेंस कितना चार्ज करेंगे, 20,000। और ईयर एंड पर बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट में एक्रूअल्स रिकॉर्ड होंगे लाइबिलिटीज में ना, करंट लाइबिलिटी में हम एक्रूअल्स रिकॉर्ड करेंगे कितने से, 5,000 से। इस तरह से बनेंगे आपको इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट। तो साथ में ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट भी बना लें। इसमें बनेगा आपका कौन सा अकाउंट, गैस का अकाउंट बन जाएगा ना, गैस एक्सपेंस। ओपनिंग बैलेंस क्या दिया आपको, एक्रूअल्स है ना, एक्रूअल्स ब्रॉट डाउन इन द गैस अकाउंट 650। तो उसकी डेट 1 जुलाई, एक्रूअल्स 650, ओपनिंग बैलेंस हो गया। अच्छा, इसके बाद ये 4 पेमेंट्स हैं। फर्स्ट पेमेंट हो रही है 15 सितंबर, सितंबर 15, 1200, 14 दिसंबर 1750, 18 मार्च 1695, 14 जून 1660। अच्छा, ये तो 4 पेमेंट हो गए, ठीक है। अच्छा, हमें देखते हैं कि इसमें एक्रूवल्स या प्रीपेड कितने हैं ना। अच्छा देखिए, लास्ट बिल हम पे कर रहे हैं 14 जून को, और ये है बिल आपका फॉर क्वार्टर एंडेड 31 मई। तो लास्ट बिल हमने पे किया है मई तक का, और ईयर एंड हो रहा है 30 जून को। 30 जून को ईयर एंड है, और लास्ट बिल हमने पे किया 31 मई तक का। तो जून का बिल एक्रीड हो जाएगा, तो एक महीने का बिल एक्रीड हो गया। तो यहाँ से नीचे मेंशन कर दिया 30 जून, अ रीडिंग वॉज टेकन ऑफ गैस मीटर एंड एस्टिमेट चार्ज फॉर द मंथ ऑफ जून वॉज कंप्यूटेड एट 480। तो ये 480 हमारे एक्रीड हो जाएंगे। तो एक्रूवल्स की एंट्री क्या होगी, एक्रूवल्स की एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट, एक्रूवल्स क्रेडिट। तो ये एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं यहाँ पे 480 से, और इसी को कैरी डाउन कर देंगे, ठीक है। और डेबिट साइड का टोटल कर लें 6685, और ये 650 माइनस करेंगे 6035 बैलेंसिंग फिगर, और ये होंगे हमारे करंट ईयर के गैस एक्सपेंस, जिसे हम चार्ज करेंगे इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस चार्ज होंगे 6035, और बैलेंस शीट में एक्रूअल्स रिकॉर्ड होंगे 480 लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, इसमें ये होगा नहीं आपसे उम्मीद में। अच्छा, इसमें 1 मार्च है, एक्रूअल्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1200। इसमें अच्छा अकाउंट कौन सा बनेगा, रेंट एक्सपेंस का ना। तो इसका ओपनिंग बैलेंस है 1200 मार्च 1 पे, इसके बाद पेमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं 7 अप्रैल को 1500 पे कर रहे हैं, 1500। 9 जुलाई को 1950 पे किए, जुलाई 9, 1950। 6 अक्टूबर को 2250 पे कर रहे हैं, अक्टूबर 6, 2250।
9 जनवरी को 1650 पे किए, जनवरी 9, 1650। अच्छा देखिए, लास्ट पेमेंट हम कर रहे हैं 9 जनवरी को, और वो कब तक की पेमेंट है? 31 दिसंबर तक की ना, तो 31 दिसंबर तक का रेंट हमने पे कर दिया। अब इसका ईयर एंड कब हो रहा है? फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 28 फेब को, ठीक है। 28 फेब को ईयर एंड हो रहा है, लास्ट रेंट हमने पे किया दिसंबर तक का, तो जनवरी फरवरी 2 महीने का रेंट डी हो गया, एक्रूड हो गया ना, ठीक है। तो 2 मंथ्स के एक्रूअल्स रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा इसमें देखिए, आपको उसने अमाउंट नहीं बताया हुआ, क्वेश्चन 4 में तो 480 दे दिया था ना, अब यहाँ पे अमाउंट नहीं पता, तो अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हमें एक्रूअल्स कैलकुलेट करना होंगे, और ये हम कैलकुलेट करेंगे लास्ट पेमेंट की बेस पर, ठीक है। लास्ट पेमेंट हमने की थी 1650, तो 1650 से हम 2 मंथ के एक्रूअल्स कैलकुलेट करेंगे। जब 1650 3 मंथ की पेमेंट है ना, तो डिवाइडेड बाय 3 कर दें और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो 2 मंथ के एक्रूअल्स आ जाएंगे ना, 1100। ये हो जाएंगे 1100 जनवरी फरवरी का एक्रूड रेंट। अच्छा ये रिकॉर्ड हो जाएगा, एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस डेबिट एक्रूअल्स क्रेडिट। 28 फेब को ये एक्रूअल्स रिकॉर्ड हुए, और इसी को हम कर देंगे कैरी डाउन। टोटल करते हैं डेबिट साइड का 8450, 8450 माइनस करें 1200, बैलेंसिंग फिगर कितना? 7250 बैलेंसिंग फिगर, और ये होंगे हमारे करंट ईयर के रेंट एक्सपेंस 7250।